हाय गाइस, वेलकम टू ममताज किचन। आज हम एकदम यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे थे, हार्ट शेप की केक, वो भी ब्रेड में से, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में से। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने मिल्क केक ले ली है, बड़ी साइज़ की आती है वो। हमें 9 स्लाइस चाहिए। सभी ब्रेड की हम एजिस कट कर लेते हैं प्रॉपर, ये एकदम ज़रूरी है फ्रेंड्स। 9 ब्रेड में से अपना हार्ट शेप बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो 6 में से भी बना सकते हो। ऐसे ही मैंने सभी ब्रेड की एजिस कट कर ली है। हमें एकदम प्रॉपर कट की हुई चाहिए, अभी हमें हार्ट शेप देना है। तो मैंने 6 स्लाइस को कटोरी रख के ऐसा शेप दे दिया है ताकि अपना प्रॉपर शेप आ जाए। 6 स्लाइस ऐसे कट की है और 3 हमें और स्क्वेयर शेप ही चाहिए। एक यहाँ मैंने केक सजाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल वाला कार्डबोर्ड ले लिया है, उस पे चॉकलेट स्प्रे लगा देती हूँ ताकि अपनी केक हिले नहीं। अभी हार्ट शेप तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रेड को रखनी है एक यहाँ पे, एक राइट और लेफ्ट। आप देख रहे हो कितना यम्मी डिलीशियस लुक आ गया है हार्ट शेप। आप वैलेंटाइन में भी बना सकते हो, आपके हार्ट पर्सन को बना के आप एकदम खुश कर सकते हो। अभी इस पे मैंने शुगर सिरप रेडी करके रखा था, वो स्प्रेड कर लेते हैं। चीनी और पानी मिला के शुगर सिरप ऐड किया है और ब्रेड को प्रॉपर सोक कर लेना है ताकि ये एकदम स्पॉन्जी बन जाए। यहाँ मैंने चॉकलेट स्प्रेड आता है जो हम ब्रेड पे लगा के किड्स को देते हैं, वही यूज़ किया है। चॉकलेट फ्लेवर में बनाने जा रहे इसलिए, आप दूसरी कोई फ्लेवर में भी बना सकते हो। प्रॉपर लगा दिया है, अभी दूसरा लेयर करते हैं। तो वैसे ही हमें ब्रेड को वापस सेट करना है। आप देख रहे हो दूसरा भी एकदम यम्मी लग रहा है ना। अभी उसको भी हम शुगर सिरप लगा देते हैं वापस, तभी सभी लेयर अपने एकदम स्पॉन्जी बन जाए। आपको खाने के बाद ही लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड में से बना है। आप किसी को बताएंगे नहीं तो उसको भी मालूम नहीं होगा कि आपने ब्रेड में से ये केक बनाया है। और वापस उसमें हम चॉकलेट स्प्रेड अप्लाई कर देते हैं। अभी थर्ड लेयर हमारा लास्ट है, तो उसमें भी हम प्रॉपर ब्रेड का शेप दे देते हैं और इसको भी हमें शुगर सिरप से सोक कर लेना है। ये ब्रेड की केक बनाना बहुत आसान है फ्रेंड। खाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमने ब्रेड में से बनाया है और ओनली 10 मिनट्स में ही बन जाती है। व्हीप क्रीम ले लिया है मैंने 1 कप, उसको प्रॉपर बीट कर लेते जब तक ये फ्लफी ना बन जाए। आप देख रहे हो कि अपना व्हीप क्रीम तैयार है। अभी हमें ऊपर की लेयर में व्हीप क्रीम अप्लाई करना है। इसका आइसिंग करने के लिए हमने व्हीप क्रीम चारों ओर लगा दिया है, अपनी कोई भी बॉर्डर छूटे नहीं। इस तरह से हमें व्हीप क्रीम अप्लाई करना है। सभी किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ब्रेड में से बना है। इसी चारे हमने सभी साइड से उसको प्रॉपर अप्लाई कर दिया है और ऐसे ही हम एक नाइफ की मदद से ज़्यादातर जो व्हीप क्रीम लगाए वो निकाल के प्रॉपर शेप दे देते हैं। तो तैयार है अपनी हार्ट शेप की केक। अभी इसको ऐसे ही नहीं रखेंगे ना, थोड़ा कुछ गार्निश तो करना पड़ेगा। ऊपर भी हम थोड़ा लेवल कर देते हैं। मैंने उसमें ब्राउन कलर थोड़ा ऐड किया है व्हीप क्रीम में। और ये मोल्ड है मेरे पास, आप पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार नोजल लगा के छोटा छोटा सभी सभी साइज़ में आता है ये, पर यहाँ मैंने छोटी साइज़ ली है। तो हम हार्ड शेप में ये छोटा छोटा स्टार नोजल से स्टार बना लेते हैं। और अभी आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, पर मैं पूरा जो अपना हार्ड शेप है उसमें स्टार लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, घर पे जरूर ट्राई करना ये केक और कमेंट बॉक्स में जरूर से आपका रिप्लाई देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने नीचे लास्ट में भी ये हार्ड शेप में स्टार नोजल से स्टार लगा दिए। तो तैयार है अपनी केक।
पर अभी मेरे को लगता है मैं कुछ अलग करूं, तो मैं व्हीप क्रीम से एक उसका कोना है वो ब्राउन कलर का कर देती हूँ, और उस पर मैंने जो शुगर सिरप की वर्मीसिली आती है ना वो ऐड किया है। शुगर सिरप के बॉल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अपनी केक तैयार है सर्व करने के लिए, उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि प्रॉपर सेट हो जाए। तो चलो अब सर्व करते हैं। कट तो कर ले यार, आप देख रहे हो यहाँ मैंने वी शेप में कट कर लिया है, एकदम इजीली कट हो जाता है। और आप देख रहे हो कि इसके सभी प्रॉपर लेयर भी दिख रहे हैं, तो तैयार है सर्व करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। अपनी ब्रेड केक घर पे जरूर ट्राई करना, रेसिपी शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स, और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर दीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।